कुछ हमारी अनकही सी रह गई, खामोशी हमारी हमसे ये कह गई। तुम दुम दारा तेरा, 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 तुम दुम दारा तेरा। What will you have? एक अदरक वाली चाय और नमकीन बिस्किट एंड वन एक्स्ट्रा प्लेट। तुम्हारी ये प्लेट में चाय पीने की आदत कब जाएगी बताओ? अरे पायल, तुम्हें क्या पता कि चाय को यूं प्लेट में डालकर उसे हल्का सा घुमाकर। बस बस बस, तुम शायर लोग हर चीज में अपनी शायरी कैसे ढूंढ लेते हो? शायरी ढूंढी नहीं, महसूस की जाती है। अब बताओगे भी कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? इस हसी से चेहरे पे वो क्या कहते हैं, मातम सा क्यों छा गया? क्या बात है पायल, तुम्हें भी शब्दों से खेलना आ ही गया। अब 7 साल की दोस्ती का कुछ तो असर होगा ना? यार मैं एक कहानी को लेकर परेशान हूँ। प्रोड्यूसर ने डेडलाइन दे दी और मुझसे ना उसका एंडिंग लिखा नहीं जा रहा। कैसी कहानी? दोस्ती और प्यार के बीच की कहानी। What do you mean? सर, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सर, आप पिछले बार की तरह आज भी अपनी कहानी की एंडिंग नहीं लिखोगे? तुम कहानियां पढ़ती हो? सर, ज्यादा नहीं, बस बचपन में माँ सुनाती थी और अब आपकी कहानियों ने दिल जीत लिया। बस ऐसे कहानी लिखने वाले को भी कहानी सुनने वाले की जरूरत होती है। बैठो। नहीं सर। अरे बैठो तो सही, क्या पता तुम्हारे बैठने से मेरी कहानी का अंत मिल जाए। बैठो। आई मीन मुझे अंत इस नोट पे करना था कि दोस्ती और हाँ मैं कह रहा था कि मुझे अंत इस नोट पे करना है कि दोस्ती और प्यार के बीच एक ऐसी लकीर होती है जिसे अगर तुम पार कर लो तो शायद उससे वापस आने का रास्ता बंद हो जाता है। कोई तो हो जिसके पास तुम दुख में जा सको, आंसू बहा सको, गम भुला सको और नशे में कभी कभी बीते हुए पलों के मजे ले सको, उड़ा सको, बीते हुए पलों के मजे उड़ा सको। लेकिन दोस्ती ही तो प्यार का पहला स्टेज है ना? वही तो, यही तो स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहता हूँ मैं। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्या कभी तुम्हें मुझसे प्यार होगा? बताओ, would you ever fall in love with me? Because that would just spoil the relationship that we have with each other. लेकिन आदि, क्या तुम्हें इन 7 सालों में मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ या फिर तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं। आदि, तुम्हारी कहानी का अंत, let's talk about that. हाँ, मेरी कहानी का अंत। क्यों, कहानी पसंद नहीं आई? नहीं सर, पसंद तो आई मगर मगर सर, आज तक जितनी भी कहानी सुनी उसने ये सोच में मजबूर कर दिया कि एंड में सब ठीक हो जाता है, पर शायद असल जिंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब किसी कहानी का अंत अधूरा है ना, तो समझ लेना कि वो कहानी का अंत नहीं है।
सॉरी सर, मुझे जाना है। रास्ते जो मिले साथ हम वो चले, अनकहीं सी बातें अब चलो कह भी दे। हर जमाने की जुबानी ये नहीं, तेरी मेरी कहानी है यही।